अरे वाह, आपकी बहू तो बहुत अच्छा गाती है। भाई बहुत इंतजार हो गया, अब मुंह दिखाई शुरू करें, है ना? हाँ हाँ, मुंह दिखाई शुरू करें। अरे दो मिनट रुकिए, काव्या जरा फ्रेश होके आएगी, फिर होगी मुंह दिखाई। चलो काव्या। वो माँ सेना वाली की। अरे जोर से बोलो। जय माता की। सारे बोलो। जय माता की। बच्चे बोलो। जय माता की। जय माता दी। जय माता की। जय माता दी। वो माँ सेना वाली की। बच गए भैया जी, नहीं तो जीरो बटा सन्नाटा हो जाता। ये पूरी तरह से बचे नहीं। तो क्या घूंघट में नचवाओगे? वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमारी बात सुन ध्यान से, जब तक हम ना आए तब तक घूंघट में रहना और हलवा अच्छे से बनाना। ठीक है। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आ रहे हैं, बहुत जरूरी काम है। पापा जी, आप हमारा दिमाग कहते हैं ना कि एब्सेंट है, हमारा दिमाग एकदम प्रेजेंट है। घर में काव्य एब्सेंट है और ये हम आपको प्रूफ कर देंगे, आई प्रोमिस। और जानेमान कहाँ जा रही हो? बदतमीज लोग। अरे बोलो जाने मन। छमिया, तुम्हारा बाप आतंकी है क्या? क्योंकि तुम तो बॉम्ब का गोला हो यार। नहीं, आतंकी हम हैं और बॉम्ब ऐसा फोड़ेंगे ना कि थोबड़ा उड़ जाएगा पूरा। गुंडन छमिया, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, भजन गाएंगे, आजा। थैंक यू आदि, तुम आ गए, अब जल्दी से जज के पास चलो। आदि हलवा। अरे हलवा दूसरी बार बन चुका जाने मन, अपना जलवा देखो। जी बोलिए। हमें जज साहब से मिलना है। जज साहब अभी कोई जरूरी काम में व्यस्त है, वो अभी नहीं मिल सकते। देखिए हमारा उनसे मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज आप एक बार बात करिए। अच्छा ठीक है। मिस बंसल, इतनी रात को हमारे घर आने की वजह? सर भमलपुर थाने के हवलदार ने दो निर्दोष आदमियों को लॉकअप में बंद किया है और उनका शारीरिक शोषण हो रहा है। आपको कैसे पता वो निर्दोष है? सर आप एक बार प्लीज हमारे साथ थाने चलिए, आप खुद देख लीजिए, आप सहमत होंगे हमारी बात से। सवेरे बात करेंगे। सर सवेरे तक खबर फैल जाएगी, इन पत्रकारों का पता है ना आपको, बड़ा चढ़ा के छापेंगे। रिपोर्टरों को कैसे पता चलेगा? पता चल गया सर, अधिराज प्रधान रिपोर्टर, आपकी आवाज ऑनलाइन न्यूज। साबित करवाएंगे आप? क्या कर रही है? ऐसे नहीं सुलझेगा काव्या। काव्या हो जाएगा, हम सब सुलझा देंगे। कर। ये उलझे हुए रिश्ते कैसे सुलझेंगे काव्या? अब
कौन सुलझाए कहीं नहीं। क्यों किया तुमने काव्या ऐसा? जानती हो ना कि अपने अपने पापा की जान हो तुम। नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारे पापा सांस भी कैसे लेंगे। एक पल की भी नींद नहीं आती है हमें ये सोच के कि जाने हाँ तुम कैसी होगी। पापा जी हम सच कह रहे हैं, हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, वो काव्या नहीं है संतो है। काव्या को क्या हो गया? ये बोराई हुई पागलों की तरह डांस कर रही है। संतो तो इसका मतलब काव्या घर में नहीं है। ये तुम कह रहे थे पापा जी। मतलब A1 बहु 0 बहु में बदल जाएगी है। अरे हमारी A1 बहु ने बनाया काले रंग का हलवा, काले रंग का हलवा, काले रंग का हलवा। अब आएगा असली मजा। हल्का बहु हल्का। अब ये हलवा तुम बनाओ, जितने भी मेहमान आए हैं कोई भी बिना हलवा लिए नहीं जाएगा। चलो बनाओ। खाना खा लीजिए, लीजिए खाना खा लीजिए। काव्या से बात हुई है हमारी, ठीक है वो और आदि के साथ खुश है। मम्मी हम यहीं बैठे हैं, आप चिल्ला क्यों रही? कह रही थी कि नए माहौल में थोड़ा मुश्किल होती है लेकिन उसे हिम्मत भी है कि हम सब साथ हैं। कह रही थी हमारी बहुत याद आती है, खास करके अपने पापा की। खा लीजिए। मैंने कुछ नहीं साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। हो गया पैर ठीक? उन आदमियों ने हमको बहुत मारा है साहब, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने कहा है हड्डी टूट गया है पैर का। अच्छा कैसे? ओ मैडम ऐसी लाठी क्या कर रही हैं आप? लाठी तो ऐसा ही था लेकिन अरे क्या हो गया पैर ठीक? तोड़े अभी? माफ कर दीजिए साहब, हवलदार साहब ने हमसे नाटक करने को कहा था। जैन सर, कानून को मजाक बना के रख दिया है, छोड़ो दोनों आदमियों को इस वक्त, वरना तुम दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट बना देंगे हम। निकालो दोनों को। थैंक यू मिस वन सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दोनों जाइए अपने अपने घर, ख्याल रखिए अपना। काव्या की एक और जीत? नहीं, ये टीम आद्या की जीत है। आदि हलवा चलो। बोलिए। हाँ बेटा,
ओ बेटा देखो गाड़ी किनारे पे रोको, गाड़ी चलाते हुए बात नहीं करते, कुछ हो गया तो। और काव्या बिटिया से बोलो कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो अलका बहू जो है ना वो हलवा बना रही है, और जितने भी मेहमान भक्तजन आए ना हम उनसे माफी मांग लेंगे बेटा। बोल देंगे उनसे कि हमारी छोटी बहू बाहर है, बड़ी बहू ने हलवा बनाया, आप सब खा लीजिए। छोटी बहू हमारी बहुत व्यस्त है ना, काम का लोड बहुत ज्यादा है उस पर, तो अपने मुंह दिखाई भी नहीं आ पा रही बेचारी। हम सुन रहे हैं पापा जी। देखो बिटिया तुम निराश मत हो, हाँ कान खुजूरा होता है ना जिसके 100 पैर होते हैं, अगर चलता तो एक ही तरफ है ना, अब तुम दो तरफ कैसे जा सकती हो, दफ्तर दफ्तर है, घर घर है, एक ही तरफ तो जा पाओगी ना बेटा। तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे, तुम काम करो अपना। थैंक यू बाबू जी। मेंशन नॉट बेटा। बोले साचे दरबार की। अब तो जागरण भी समाप्त हो गया मालिनी जी, बहू की मुंह दिखाई तो करवा दो। हाँ हाँ करवा दीजिए। देखिए हमें माफ कीजिएगा, ओ, क्या है हमारी छोटी बहू काव्या जो है किसी काम से ना बाहर। हमारे पापा जी अलका बहू अपने हाथ का बना प्रसाद ले आओ। एवन बहू। सर से चुनरिया सरकने लगी, हार के दुल्हनिया बिदकने लगी। आप तो अनेक शस्त्र हस्ता हो, ब्रह्मवादिनी हो, सर्वशक्तिशाली हो और हर हाल में विजयी हो, हमें आशीर्वाद दो कि हम भी सब कर पाए। इस हार को जीत में बदल पाए कि हमारे हाथ से प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे आप। अलका बाबू प्रसाद बचाओ। क्या हुआ? ये को तुम सारा प्रसाद गिर गया। माँ आप परेशान मत हो, हम कुछ सोचते हैं। क्या सोचेंगे? माँ हम कुछ सोच लेंगे। काव्या प्रसाद माता का जगराता है, वो उपाय निकालेंगे। भाभी जी गांव के कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने।
पूरा साफ कर, रखो हमें छोड़ दियो, कर देगा। आपने बचा लिया साहब, वरना वो लोग हमें मार ही डालते। हमारा सुहाग आपने लौटा दिया, आप देवी है दीदी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, बस ये छोटी सी भेंट है, घर में बना हुआ एक गुड़ है, आप स्वीकार कर लीजिए, आपका उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमें आशीर्वाद दे दिया, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। लड्डू या हलवा तो नहीं है, पर श्रद्धा की मिठास जरूर है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अस्तम प्रक्षाल्यः। अब आप माता को प्रसाद अर्पण करिए और भक्तों में बांट दीजिए। देखिए सर पे चुनरी वापस आ गई, आपकी बहू रानी सबको भा गई। भाई मान गए प्रधान साहब, आपने ऐसी बहू लाई है कि चार चांद लगा दिए आपके नाम पे। बिल्कुल, अब तक कहाँ छुपा रखा था आपने इसे। देखिए जी, जब से हमारी ये छोटी बहू काव्या हमारे घर आई है ना, तो हमारे घर को चार चांद लग गए। हीरा है हमारी बहू, हीरा। अरे काई का कर रही हो, कोई देख लेगा। देख लेगा तो देखने दीजिए ना, अगर आप हमें रोकेंगे ना तो सामने जाकर करेंगे। घर की बहू हो तुम। हम बहू नहीं है, बहू तो वो है। क्या है वो? हीरा है। और हम कोबर ना, तो हम लोग कोबर तोड़ ली। बस करो वर्का, ना कटाओगी परिवार का। हम ना कटेंगे, पर वो तो सच्चा ही है, उसका तो परिवार ही उसके साथ नहीं है। क्या कह रही है बड़ी बहू, ये बहू का परिवार खुश नहीं है? अरे खुश होते तो आते ना जगराता में। क्या पता शायद इन्होंने बुलाया ही ना हो, इनकी स्टेटस का नहीं है ना। आंटी ऐसी कही सुनी बातों पे विश्वास मत करिए, पापा जी ने हमारे मम्मी पापा को बुलाया था पर वो किसी जरूरी काम में व्यस्त थे इसलिए आ नहीं पाए। कल मिल लीजिएगा उनसे आप। हाँ कल हमारे बेटे और बहू की रिसेप्शन पार्टी है, आप सबको आना है। खूब खाइएगा, नाचिएगा, गाइएगा, हम सब लोग धमाल मचाएंगे, है ना। अब हम पापा को कैसे मनाएंगे रिसेप्शन में आने के लिए? काव्या बेटा, हम भी तो देखें कि तुम खुद को एवन बहू कैसे साबित करती हो और कैसे ससुराल की इज्जत बचाती हो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल,
Click the show links and enjoy watching the videos.